आप देख रहे हैं राखी जी न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रदीप बना। खबर है विस्तार से। बावनवास विधानसभा क्षेत्र के डडवाड़ी गांव में अवैध बंदूक लेकर घूम रहे एक आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। बावनवास 21 सितंबर बुधवार को बावनवास विधानसभा क्षेत्र के बोली में अपराध नियंत्रण को लेकर जिला पुलिस अधीक्षक सुनील कुमार बिश्नोई के निर्देशन में चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत बोली थाना पुलिस द्वारा लगातार कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। वहीं बावनवास पुलिस उपाधीक्षक तेज कुमार पाठक के सुपरविजन में बोली SHO कुसुमलता मीणा के नेतृत्व में आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई को अंजाम दिया गया। वहीं किन्नी चौकी इंचार्ज कमलेश कुमार ने बताया कि गश्त के दौरान मुखबिर की सूचना थी कि एक व्यक्ति अवैध बंदूक लेकर घूम रहा था, जिसके बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची और डडवाड़ी गांव में 45 वर्षीय हनुमान पुत्र गुल्ला मोगे निवासी बोरखेड़ा अवैध हथियार लेकर घूमता पाया गया। पुलिस ने जब तक आरोपी से पूछताछ की तो आरोपी ने पास किसी प्रकार का कोई लाइसेंस नहीं होना पाया गया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी हनुमान मोगिया को गिरफ्तार किया है। वहीं उसके पास एक नारी बंदूक को भी जब्त कर लिया गया है। आज अभी क्या अभियान चल रहा है अवैध हथियारों के खिलाफ, तो जिडवाड़ी के पास से तराई के पास से एक अवैध हथियार श्री हनुमान सिंह मोगिया से पकड़ा गया है, जो उसको जब्त किया जाकर मैं गिरफ्तार करके मुकदम दर्ज किया गया। हथियार कौन सा सर? एक नाली टोबीदार बंदूक। कारतूस वगैरह भी है? कारतूस नहीं है। वारदात को लेकर बोली थाना पर आर्म्स एक्ट के तहत मामला भी दर्ज किया गया। गठित टीम में खिन्नी चौकी इंचार्ज कमलेश कुमार, कांस्टेबल अशोक कुमार व शंकरलाल शामिल रहे। पुलिस के मुताबिक अपराध नियंत्रण को लेकर कार्रवाई लगातार जारी रहेगी।